कुछ अमीरों के लिए हैं, सर नशा नशा है, नशा इस्तेमाल करने वाला नहीं देखता कि, और नशा भी नहीं उसका रिएक्शन करते देखता कि मैं अमीर के बॉडी में जा रहा हूँ या गरीब की बॉडी में जा रहा हूँ। ये इतना बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा चैलेंज है, खुदा ना खास्ता आज असेंबली में कोई इस वक्त क्रिस्टल या आइस का यूज़र यहाँ पे अगर आ जाए तो वो जॉम्बी बन के सबको यहाँ पे मार सकता है, क्योंकि उसके सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसको हमने बहुत ही ईजी लिया हुआ, बहुत ईजी लिया हुआ, जैसे कि हमारे ये सोसाइटी में मसला ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े में बड़ा मसला ये है इस वक्त, क्योंकि पुलिस ने जब स्ट्रीट क्राइम पे अटैक शुरू किया, उस पर एक्शन शुरू किया, तो जहाँ पे जिस स्ट्रीट क्राइम के नतीजे में मर्डर्स होते थे वो जब इन लोगों ने पकड़े तो तब उनको पता चला कि वो मर्डर करने वाले लोग मंशात इस्तेमाल करते थे। तो वैसे कोई आके आपका मोबाइल छीन के चला गया, लेकिन अगर कोई मंशात का इस्तेमाल करने वाला है, उसके पास वेपन है, तो वो जाते हुए आपको गोली भी मार के चला जाता है। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है जिसको हमने सब ने मिल के, सोसाइटी ने मुत्तहद होके, पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी ने एक होके इस लानत को ख़त्म करना है। मैं गुजारिश करूँगा, मेरी इल्तजा होगी दोनों साइड से कि इस एक्शन में, मैंने कहा पहले भी, आप सब के सब जितने भी लोग हैं सबके पास वही पावर है। यहाँ पे असेंबली में हर मेंबर मौजूद है, वो अपने आप को एक्साइज मिनिस्टर समझे, वो अपने आप को नारकोटिक्स मिनिस्टर समझे, आपको जहाँ इत्तला मिलती है, हमने नंबर्स जो हैं वो वेरीफाई कर दिए, जहाँ इत्तला मिलती है, भले किसी की भी पैट्रनाइज है पे है, किसी कोई किसी की भी सपोर्ट चल रही हो, आप हमें इत्तला दें, हम आपके साथ चलेंगे। एक्साइज नारकोटिक्स की फोर्स आपके साथ चलेगी। आप बताएं यहाँ पर ड्रग्स बिक रही हैं तो वहाँ ख़त्म करें। आप सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सबके जहाँ जहाँ पर जिस जिसके इलाके में रहे, ये उस पर फ़र्ज है, ये हम पे लाजिम है कि क्रिस्टल, आइस, कोकेन, ये चर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसके खात्मे के लिए हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। ये अकेले किसी शख्स का काम नहीं है। तो आप सब को मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए आप गवर्नमेंट की सपोर्ट करें, हमें बताएं, हम आपके साथ चलेंगे, ताकि हम मिलके आइंदा नस्ल को इस मंशात से पाक और साफ होकर पैदा करें। थैंक यू, शुक्रिया सर।